दबंग तहसीलदार अभयराज पांडे के गजब कारनामे, दलित महिला के आशियाने पर चलाया बुलडोजर। पीड़िता दबंग तहसीलदार के पैरों पड़कर रोती रही, करती रही विनती, नहीं पसीजा दिल। बिना नोटिस बिना सूचना के आखिर क्यों तोड़ा दलित का आशियाना? आखिर योगी बाबा का ऐसे दबंग तहसीलदारों के खिलाफ कब चलेगा बुलडोजर? सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है दबंग तहसीलदार अभयराज पांडे। पीड़ित महिला ने लेखपाल, प्रधान और तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप। बरनाहल थाना क्षेत्र के बिरथुआ गांव से जुड़ा है पूरा मामला। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ छोड़ रहे? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? किसका? अरे क्या नाम है? मैं आपको बरसाने दो मजासी में। मैं आपको लाने दो मजासी में। मर के लगाया था। मुझे देखा। तुम्हारा? सिंह की। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके? मेरा पहले नेपाल साहब आए थे 2-3 दिन पहले, तो 10,000 रुपए ले गए यहाँ से। और अब कल लेके आए यहाँ पे, आए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 7:30 बजे टाइम पे आए शाम को, मैंने मना कर दिया तो मेरे लपड़ मार दिया। और ये कहीं कुछ कह रहे थे मेरे से, घर पे कोई था नहीं, गाली गलौज कर रहे थे, चमार फमार कर रहे थे, सब पैसे मांग रहे थे। 50,000 पैसे मांग रहे थे, मैंने कह दिया तो सब लोग आ गए यहाँ पे, कसवा दिया मेरा प्लॉट। अच्छा, आपको कोई नोटिस दिया था क्या? कोई सूचना दी गई थी कि वैसे ही मकान को तोड़ दिया? ऐसा ही सूचना कोई भी नहीं, ऐसे ही तोड़ दिया मकान आके। कौन कौन लोग आए थे, कौन अधिकारी थे? नेपाल आए थे और तहसीलदार आए थे, और फोर्स पूरा पूरा फोर्स आया और तोड़वा दिया मकान। आप उनके पैरों पर विनती करती रही, फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा। आप योगी से क्या मदद चाहेंगे, योगी से क्या पुकार करेंगे आप? हम तो ये करेंगे कि मेरा प्लॉट तू जैसा था तैसा ही हो जाए। ऐसी वर्ग से ऐसे, हम तो ऐसे लोग से, गरीब लोग ही हम लोग, और इन्हें तोड़ फोड़ कर दिए सब मेरे आके मकानों में। अच्छा, बिना नोटिस के ये मकान तोड़ दिया? हाँ, बिना नोटिस के तोड़ दिया मकान ये आके। हम लोग ऐसे है तो हम लोगों के प्लॉट से पहले ही। क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। रजनी, अभी क्या घटना हुई है? अभी तो मकान तोड़ दिया, तोड़ दिया। किन ने तोड़वा दिया है? लेखपाल और तहसीलदार और प्रधान। और किस क्यों क्यों तोड़वा दिया है? क्योंकि उसने 10,000 रुपए ले गए और हम लोगों ने 50,000 रुपए देने से मना कर दिया। अच्छा, तहसीलदार के पैरों पे एक महिला जो आपके परिवार की है वो पैरों पे डली रही, उसके बावजूद भी ये मकान तोड़ दिया? हाँ, फिर भी तोड़ दिया पैरों से, वो पैर पकड़े उनके, लेकिन फिर मकान तोड़वा दिया। क्या क्या योगी से मदद चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम एससी वर्ग से हैं, उनसे चाहेंगे कि हम लोगों को आबादी है जो एससी वर्ग से मिली है चाहिए। हम लोग गरीब हैं बहुत, और कम से कम 20 साल पहले आबादी कटी थी। अच्छा, ये एसडीएम साहब ने आरोप लगाया कि आपने बंधक बनाया था, ये झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने ही गाली दी आ करके पैसों के लिए। कितने पैसे मांगे थे? 50,000 रुपए मांगे थे। पहले कुछ पैसा दे भी चुके हैं? पहले 10,000 पहले दे दिए, कुछ पेटीएम किए हैं कुछ पैसे, तो अच्छा मोबाइल से पेटीएम किए हैं और कुछ नगद ले। लेखपाल का नाम मालूम है? अनिल लोधी। अनिल लोधी। अच्छा।